जी सिस्टर का नाम सुखविंदर कौर है और जी अमृतसर मुदल गांव के रहने वाले हैं और इनकी बहुत बड़ी गवाही है। और जी सिस्टर बता रही कि एक साल से इनका राइट साइड का जो पाँव है उसमें जब बता रही कि वो सुन रहता था और जब बता रही कि जब भी जे अपने पाँव पर चुंटी काटते थे जैसे चुंटी वंडना और समय भी इनको कुछ भी महसूस नहीं होता था, फील नहीं होता था। और जे बता रहे कि जे अपने चप्पल भी नहीं थे पहन सकते क्योंकि इनके पाँव में ऐसे स्वेलिंग भी रहती थी बहुत ज्यादा और पैर पाँव इनका सुन रहता था और जिसके कारण जे बहन बहुत परेशान थी, बहुत तकलीफ में थी क्योंकि जे बताते जे अपने घर का काम भी नहीं थे कर सकते और कहीं भी जे आ जा भी नहीं थे सकते क्योंकि जे पाँव की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। और इन्होंने बताया कि जे डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने इनको कहा कि आप हो सकता है कि आपके जो पाँव की जो नाड़ी है वो ब्लॉक हो सकती है, सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड कराओ। और फिर से उन्होंने एक सलाह दी कि अगर नहीं करवाना तो फिर आप 10 इंजेक्शन लगवाओ, उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड कराना। पर इस बहन ने बताया कि इनका मन नहीं था इंजेक्शन लगवाने का और इन्होंने विश्वास में बने रहे कि परमेश्वर आ मेरी इस प्रॉब्लम से मुझे आजाद कर चुके हो। और जो बताते कि जब जो मीटिंग में आते थे और जो विश्वास करते रहे कि परमेश्वर जो प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं है। और जो बता रही कि जैसे इन्होंने पिछले संडे 1 मई को विश्वास के पूरे विश्वास से फॉर्म के ऊपर अपनी इस प्रॉब्लम को लिखवाया और जो बता रही कि जैसे ही प्रभु के दास के द्वारा इनके लिए ले हैंड हुई, सबसे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। और जे बता रहे कि जैसे इनके लिए ले एंड प्राप्त हुई प्रभु के दास के द्वारा और जे बता रहे कि उस दिन से प्रभु की ग्रेस ने इनको छुआ जो एक साल से इनके इनका पांव सुन रहता था। और जे बता रहे कि उस दिन से इनके पांव में खारिश भी शुरू हुई। जे बता रहे कि कभी भी एक साल हो गया था कि इनकी जो उंगलियां हिलती भी नहीं थी और ना ही उनमें खारिश होती थी। और जे बता रहे कि आज इनकी उंगलियां हिलती भी है और खारिश भी होती है। और जे बता रहे कि अभी इनके पांव में स्वेलिंग भी नहीं है। अब परमेश्वर ने कौन सा पांव, लेफ्ट के राइट? राइट। कौन सा? राइट वाला। राइट है ना, सज्जे वाला पैर है ना आपका। देखो कितना बड़ा काम प्रभु ने किया। एक साल से पैर सुन रहता था। सुन का मतलब ऐसे भी आपने सुना ना, चूटी मतलब ऐसे काटते थे जैसे बोलते ना चुंडी वडना, तो कुछ नहीं पता लगता उसमें कोई नकली चीज भी खुलो ऐसे खुबो दो तो भी नहीं पता चलता था। देखो अगर कोई नकली तीखी चीज होती ना उसको भी ऐसे पैर में ऐसे ऐसे लगाओ तो भी नहीं पता चलता, नहीं तो दर्द होती है ना। ऐसे सुन हो गया था और डॉक्टर ने कहा कि इसका अल्ट्रासाउंड कराओ, लगता है अगर ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो ये आपके पाँव की जो नाड़ियां हैं वो ब्लॉक हो गई होगी, इसी कारण ये ऐसे होता है। क्योंकि डॉक्टरों को पता होता है ना इसका प्रॉब्लम, इसका कारण क्या है। तो उसने कहा कि आप अल्ट्रासाउंड कराओ, मुझे लगता है कि आपकी जो पैरों पाँव की नाड़ियां वो ब्लॉक हो गई होंगी, ये इसीलिए आपका सुन रहता है। नहीं है तो इसे अगर नहीं है तो फिर 10 इंजेक्शन लगाकर देखो, पहले ठीक हो जाएगा खुद नहीं। देखो और एक साल से और ये पैर सूजा रहता था। क्या रहता था? चप्पल भी पहनी नहीं जाती थी और ऐसे लगता था जैसा है, ऐसे आपको लगता था जैसे मेरा पैर मेरे साथ है ही नहीं। देखो इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मेरा पैर मेरे दिल मतलब जैसे मेरी टांग के साथ है ही नहीं है, ऐसे ऐसा माहौल बन गया था। बोलो क्या बन गया था?
ऐसा माहौल, इसी वजह के कारण इनकी यहां पे दर्द आ गया, लक में खड़ा नहीं हुआ जाता था, एक बीमारी से और प्रॉब्लम बढ़ रही थी। क्या बढ़ रही थी? खड़े होने की, लक में दर्द आ गई, पेन आ गई। पर उस दिन इन्होंने शांस के साथ बोलो क्या है, क्या करवाई, ले हैंड कराई। खुदा की ग्रेस ने, उसके आत्मा ने शुआ, किसमें होकर शुआ मुझमें से होकर इन्हें शुआ। और आज देखो ये आपके सामने, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं है, वो ही पाँव है, वो ही सब कुछ है। अभी 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 चूंटी काटते हैं तो दर्द होती है, अभी होती है ना। अच्छा, आपकी पाँव की उंगलियां हिलती नहीं थी, झाम हो गई ऐसे पूरी। और देखो तो ऐसे किसी के साथ हो जाओ तो वैसे मन में बड़े बुरे बुरे विचार आते आने शुरू हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं कि नहीं बुरे बुरे विचार? ऐसे हिलती भी नहीं थी पूरी तरह। और जैसे उस दिन परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उसी दिन ऐसे पता चला और खारिश होनी शुरू हुई पाँव में, अब उंगलियां भी हिलती हैं। हाँ, अब कोई सूजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आज पूरी तरह क्या है, फ्री है। बोलो क्या है, आज ये बड़ा काम किसने किया? ये हो सकता है कईयों को सुनने में छोटा लग रहा है, अरे पैर की नाड़ियां ब्लॉक हो जाए ना तो पैर भी कई बार काटना पड़ता है। क्या हो जाता है? पैर को भी काटना पड़ता है, तो फिर लंगड़ा बंदा क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? ऐसे शैतान लोगों को अपनी जुक्ति में क्या करता, फंसाता है। पर शुक्र है उस खुदा का जिस पर हमने विश्वास किया। क्या किया? जिस पर हमने विश्वास किया और जिसने अपना जीवन देकर हमें जीवन दिया। अगर वो ना ऐसा करता, ये ना अपना विश्वास उस पर लेकर आते, तो पता नहीं आज फिर आगे क्या क्या होना था। इसलिए धन्यवाद करो इस बड़े काम का जो परमेश्वर ने बड़ा काम किया है। बोलो क्या किया? ये बड़ा काम किया, अपने हाथों को उठाते हुए दिल से दोनों हाथों को उठाकर तारीफ करो जोर से। अनोखे काम करदाए यहोवा, अनोखे काम करदाए यहोवा, अनोखे काम करदाए यहोवा, अनोखे काम करदाए यहोवा। आमेन, हालेलुया। Hallelujah.